जगवर्धन गाइए गणपति जगवर्धन गाइए गणपति जगवर्धन गाइए गणपति जगवर्धन शंकर सोन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन जगवर्धन गाइए गणपति जगवर्धन सिद्धि सदन गज बदन विनायक सिद्धि सदन गज बदन विनायक सिद्धि सदन गज बदन विनायक सिद्धि सदन गज सिंधु सुंदर सबुला एक गाइए गणपति जगवर्धन गाइए गणपति जगवर्धन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवर्धन गाइए गणपति जगवर्धन मोदक प्रिय
नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवर्धन गाइए गणपति जगवर्धन तुलसीदास करी जोरे मागत तुलसीदास करी जोरे। यह गणपति वंदना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी। हृदय के साथ जब कोई भाव प्रेषित किए जाते हैं तो परमात्मा प्रकट होंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होता है उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। जब गोस्वामी जी महाराज ने बड़े भाव से लिखा गाइए गणपति जग वंदन, स्वयं गणपति जी प्रकट हो गए। गोस्वामी जी इतना सुंदर भाव, मैं तुम पे प्रसन्न हूं। बोली आपको क्या चाहिए, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। गणपति ने प्रसन्न होकर स्वयं आकर तुलसीदास जी को वर देना चाहा। गोस्वामी जी के नेत्र सजल हो गए, करबद्ध हो गए भगवान के सामने और कुछ नहीं मांगा। कहा भगवान आपकी कृपा से सब कुछ, राम नाम का ये अमृत मुझे मिला हुआ है, मुझे और क्या चाहिए। गजानन मुस्कुराए, कहा तुलसी कुछ तो मांग लो। तो जो गोस्वामी जी महाराज ने मांगा वो हम सबको सीखना है। जो गोस्वामी जी की चाह है वो हम सबकी प्रेरणा है। जो गोस्वामी जी का अंतर्मन है वही अंतर्मन हमारा हो। इसलिए गोस्वामी जी ने मांगत तुलसीदास करजोरे, करबद्ध होकर जो भगवान से मांगा वही हमने मांगना है। प्रेम से यही भाव, यही वंदना और यही नाम कीर्तन और यही सत्संग। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिया मानस मोरे। मांगत तुलसीदास, गोस्वामी जी ने मांगा जोरे, बसहि राम सीता राम जी आप मेरे मन में बस जाएं, मेरे मानस में बस जाएं, बस मुझे यही तो चाहिए। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास जगवर्धन।
राम तुम्हारा चरित्र स्वयं एक काव्य है, कोई कवि बन जाए संभाव्य है। ये राम नाम जग का उद्धारक है, ये राम नाम जग का पालन करता है। एक साधक को संशय हुआ, वो राम कौन है? वो निराकार, वो साकार, वो द्वैत अद्वैत, उस राम का स्वरूप क्या है? किस रूप में भजे कि वो राम हमको मिल जाए? साधक ने जब अपनी जिज्ञासा संत के समक्ष रखी, संत ने मुस्कुराकर कहा, किस राम की बात करते हो? राम तो सबका है और सब में है। तुम सोचो कि तुमने उसे पाना कैसे, भजना कैसे है? वो कण कण के अंदर है, जो रम रहा है वो राम। वो तुलसी का साकार राम है तो कबीर का निराकार। रविदास तो गाते हैं, अब कैसे छूटे राम रट लागी, और मीराबाई ने कह दिया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नानक का वो अकाल पुरख है, इसलिए भाई वो राम कौन है? इससे ज्यादा तो हमारी भावना ये होनी चाहिए कि हमने राम को ध्याया कैसे है। वो वैसा ही है जैसा हम उसे चाहते हैं, इसलिए जन्म में जीते हुए कभी ना राम नाम विसारिए। मेरे राम प्यारे, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, आए सब मिलकर कहते हुए उस राम को पा जाएं, अनंत को पा जाएं।
श्री ऊपर तू स्वामी सौ दुख कैसा पावे जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। एक साधक ने कहा भगवान आपका भजन करते हैं, आपके सत्संग करते हैं, आपका नाम जपते हैं, पर मेरे जीवन में ये दुख है, ये कहीं ना कहीं समस्या, कहीं ना कहीं ये बंधन, कहीं कहीं वो संकट, कभी वो दुख। मैं आपका भजन करता हूं, मुझे भव से पार कर दो, पर इस जीवन के अंदर दुख है, इनका निवारण कैसे हो? क्या भगवान आप मेरे दुखों को दूर नहीं कर सकते? आपका नाम तो दुख भंजन है। भगवान ने मुस्कुराकर उस भक्त साधक से कहा, मैं तेरे दुख तो दूर कर सकता हूं, पर दुखों को दूर करने के लिए मुझे तेरे सारे सुख वापस लेने होंगे, क्योंकि सुख और दुख तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, कभी सुख कभी दुख। जो मैं चाहूं वो हो जाए ये सुख है, और जो मैं चाहूं वो ना हो ये दुख है। पर मेरे भाई, जब समय बदलता है तो हमारे सुख ही दुख बन जाते हैं। ये समय प्रबल है, समय की कौन जान सकता है। ये सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू, जो मैं चाहूं वो मिल जाए, जो मैं सोचूं वो हो जाए, और जो मैं चाहूं जो सोचूं वो ना हो ये दुख। पर भाई बहन, जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से, जिस स्थान से हमें सुख मिला है उसी से दुख मिल सकता है, जिससे हमें सुख नहीं मिला उससे दुख भी नहीं मिल सकता। इसलिए भगवान ने कहा, अगर तुम्हारे दुखों को दूर करना है तो तुम्हारे उन सुखों को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सुखी तो एक दिन दुख बनते हैं। इसलिए सुंदरकांड में गोस्वामी जी कहते हैं, तात सुरग अपवर्ग सुख धरही तुला एक अंग, और तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ये तात सुरग अपवर्ग सुख, ये सुरग और सारे संसार की संपदाएं, उनका सुख एक पलड़े में, और सत्संग का एक पल का सुख एक पलड़े में, तब भी सत्संग बड़ा है। इसलिए हमारे दुखों का कारण यह है कि हमने सत्संग सुना तो है, पर स्वामी की शरणागति नहीं की, उनकी उनके जीवन का, उनकी लीलाओं का अनुसरण अनुकरण करने से ही उसमें दुखों से दूर होंगे। इसलिए मेरे मन, हरि को भज और दुख से पार हो जा। मेरे अंतर स्वामी, मेरे अनंत स्वामी, आप कृपा करो मुझे भवबंधनों से मुक्त करके इस राम नाम का सुख प्रदान करें, क्योंकि राम नाम सुखदाई, मैं आपकी शरणागति। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। करम करूं मैं धर्म निभाऊं
सत्संग सुमिरन मोक्ष को साधन, सत्संग सुमिरन मोक्ष को साधन, सत्संग सुमिरन मोक्ष को साधन, सत्संग सुमिरन को साधन। जीवन सपना आवन जावन, जीवन सपना आवन जावन, सत्संग सुमिरन मोक्ष को साधन, सत्संग सुमिरन को साधन। आधी से पुनियाद, और आज के अवधि समय के अनुसार देखा जाए तो एक घड़ी में 24 मिनट है।
भगवान शंकर मानस में कहते हैं एक घड़ी आदि से पुनियाद। ये भाव है, एक घड़ी आदि से पुनियाद। कोई एक घड़ी भी भगवान का भजन करे, भाई मेरे दिन में 24 घंटे हैं और एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, तो प्रति एक घंटे के प्रतीक के रूप में एक मिनट अर्थात 24 मिनट भी अगर भजन करें तो भव से पार हो सकते हैं। माँ गोरा ने भगवान शंकर से कहा, कलयुग में भगवान किस पे कहां समय होगा, वो भगवान का भजन कर सके एक घड़ी तो बहुत है। भगवान शंकर ने कहा, भगवान राम कृपालु हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी ना हो तो आधी कर लें, अर्थात 24 मिनट नहीं तो 12 मिनट ही कर लें। का 12 मिनट भी ज्यादा है, तो भगवान शंकर ने कहा चलो एक घड़ी आधी से पुनियाद, 24 मिनट ना हो तो 12 मिनट कर लें, नहीं तो 5-6 मिनट भी करें तो हम पार हो सकते हैं। क्योंकि साधु की संगत सत्संग बड़े इस कलिकाल में सरलता से नहीं मिलते, और भाई बहन वो एक क्षण के अंदर भी वो राम नाम घट में आ जाए तो जीवन की घड़ी बदल जाए। इसलिए एक घड़ी आधी से पुनियाद, घड़ी की हर घड़ी कह रही है घड़ी। ये नाम कीर्तन सुन रहे हैं ना हम लोग, तो जो कहा जो सुना वो बीत गया, अब नया पल आ गया, नित्य न्यूतन। एक घड़ी आधी से पुनियाद, और ये घड़ी हमें क्या कह रही है, घड़ी की हर घड़ी कह रही है हमें घड़ी कि बीत रही है जीवन की एक एक घड़ी। एक घड़ी आधी घड़ी, घड़ी की हर घड़ी कह रही है हमें घड़ी कि जीवन की बीत रही है एक एक घड़ी। इसलिए नाम जप तू हर घड़ी, क्योंकि कौन सा कल हो कौन सा पल हो आखरी, ये नहीं जानता होगी कौन सी घड़ी। इसलिए नाम जप हर घड़ी। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनिया, साधु की हरे कोट अपराध, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध, सत्संग सुमिरन मोक्ष को साधन, सत्संग सुमिरन मोक्ष को साधन। स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग, तुलनता ही
सत्संग सुमिरन मोक्ष को साधन सत्संग सुमिरन मोक्ष को साधन जीवन सपना आवन जावन जीवन सपना आवन जावन सत्संग सुमिरन मोक्ष को साधन सत्संग सुमिरन मोक्ष को साधन देहु श्री रंग बार बार वर मागऊं हर्ष देहु श्री रंग बार बार वर मागऊं हर्ष देहु सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग सत्संग सुमिरन मोक्ष को साधन सत्संग सुमिरन मोक्ष को साधन राम नाम की भक्ति ये राम नाम का सत्संग जिसको जपने के लिए कोई विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं। मेरे भाई बहन हर घड़ी हम सत्संग कर सकते हैं, वो भक्ति कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। सत्संग क्या है? सत्य का संग। जब हम ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो सब सत्संग का ही स्वरूप है। और जो भी काम आप ईमानदारी से करते हैं और प्रेम से करते हैं, वो सत्संग बन जाता है। बेशक माताएं बहनें अपने घर के अंदर भोजन बनाए, अपना घर का काम करें, प्रेम ईमानदारी और परमात्मा को समर्पित होकर कर रही है, तो सत्संग है। जब अपनी अन्नपूर्णा के द्वार में रसोई में अपना भोजन बनाए तो कहे अन्नपूर्णा, हे भगवान, ये सब आप ही का है। हम भी लोग अपने जीवन में जब काम करें, अपने व्यवसाय पे जाएं, अपने काम पे जाएं, तो कहें परमात्मा, ये सब आप ही की सेवा है। अर्थात जीवन का हर क्षण वो सत्संग बन सकता है अगर उसमें समर्पण है। इसलिए राम नाम रटते रहो, उस राम को समर्पित करते रहो, क्योंकि जीवन का हर घट हर पल उस नाम को समर्पित करेंगे तो हर क्षण अजपा जाप चलेगा और ये जीवन ही राम में सत्संग स्वरूप हो जाएगा। राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण,
रटते रहो। जब लग घट में प्राण, राम नाम रटते रहो। जब लग घट के भनक पड़ेगी का, कब हूँ तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। सत्संग सुमेरन मोक्ष को साधन, सत्संग सुमेरन मोक्ष को साधन। जीवन सपना आवन जावन, जीवन सपना आवन जावन। सत्संग सुमेरन मोक्ष को साधन, सत्संग सुमेरन मोक्ष को साधन, सत्संग सुमेरन मोक्ष को साधन, सत्संग सुमेरन मोक्ष को साधन। जस जस रसना प्रभु गुण सुमिरे, तस तस मनवा निर्मल भय। जस जस रसना प्रभु गुण सुमिरे, तस तस मनवा निर्मल भय। जस जस रसना प्रभु सुमेरे, तस तस मनवा निर्मल भय। जस जस रसना प्रभु गुण सुमेरे, तस तस मनवा निर्मल भय। राम नाम के सब है सहारे, राम हितारे राम सवारे, राम नाम के सब है सहारे। राम हितारे राम सवारे, राम नाम के सब है सहारे। राम हितारे राम सवारे, राम नाम के सब है सहारे। राम नाम के सब है
सहारे जस जस रसना प्रभु गुण सुमिरे तस तस मनवा निर्मल भए जस जस रसना प्रभु गुण सुमिरे तस तस मनवा निर्मल भए जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी वो सबके हैं सब में हैं वो मेरे राम। और ये राम नाम का जो भाव है जो हमें संतों ने दिया जो हमने मानस से सीखा रामायण से सीखा मेरे भाई बहन जाति पाति पूछे नहीं कोई हरि भजे सो हर का होई उस परमात्मा के सामने कौन छोटा कौन बड़ा वो हर रूप में हर एक रंग के अंदर वही तो है हर देश में तू हर वेश में तू। तुकाराम जी ने कहा ना हर देश में तू हर वेश में तू तेरे नाम अनेक तू एक ही है। राम है तेरा राम है मेरा वो राम अगर दशरथ के नंदन है तो राम निषाद के भी राम है जो उनसे मित्रता करते हैं वो राम केवट को भी हृदय से लगाते हैं निहोरा करते हैं तो निषाद के भी राम है वो केवट के भी राम है। और वाल्मीकि के आश्रम में जाकर वो अगस्त ऋषि के आश्रम में जाकर अत्रि ऋषि के आश्रम में जाकर वो राम ऋषियों का भी दर्शन करते हैं उन्हें दर्शन देते भी हैं। वो राम तो जटायु के भी हैं वो राम तो शबरी के भी हैं और राम वो हनुमान के वो राम विभीषण के भी और राम वो आपके भी और मेरे भी। इस सत्संग में बैठकर अपने जीवन के भावों को बदलना है जिस दिन हमारे दृष्टिकोण में हो जाएगा कि सब में ही राम है वो तेरा भी है मेरा भी है तो फिर वैर किससे फिर घृणा किससे फिर क्रोध किससे। जिस दिन राम नाम की ज्योति इन नैनों में बस जाएगी तो प्रेम ही प्रेम हो जाएगा। जस जस रसना प्रभु गुण सुमरे तस तस मनवा निर्मल भय। मेरे भाई बहन परमात्मा को पाने के अनेक साधन है कोई सत्संग करता है कोई जाप करता है कोई तीर्थ जाता है कोई ध्यान लगाता है ये सब परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग हैं। पर परमात्मा से प्राप्ति का स्वयं एक मार्ग भगवान ने भी कहा है ये अनंत अनंत मार्ग उस अनेक मार्ग उस एक को पाने के लिए हैं। पर परमात्मा से पाने का मार्ग जो स्वयं भगवान ने कहा है और वो है निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहे कपट छल छिद्र न भावा। गोस्वामी जी ने तो पार्वती मंगल में लिखा पर अपवाद विदूषित बा नहीं पावन करो सो गाई भवेश भवा नहीं। एक दूसरे की चुगली निंदा कर कर ना जाने कौन कौन से अशब्द बोलकर अपशब्द बोलकर जो हमारी वाणी अपवित्र हुई है इसको हरिनाम कीर्तन से पवित्र करें। और ये सत्संग ही तो इस वाणी को पवित्र करने का माध्यम है
और जिस दिन वाणी पवित्र होगी, विचार पवित्र होंगे, व्यवहार पवित्र होंगे, तो राम हमें सब जगह दिखाई देंगे। इसलिए सिया राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, सबके और सब में है राम। राम है तेरा, राम है मेरा, राम नाम का सकल बसेरा। राम है तेरा, राम है मेरा, राम नाम का सकल बसेरा। राम नाम का सकल बसेरा, जस जस रसना प्रभु गुण सुमिरे, तस तस मनवा निर्मल भए। संत भी उचरे, भक्त भी उचरे, राम नाम ले भव से उतरे। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। मेरे भाई बहन, हम संसार में देखते हैं कभी कोई एक आध घटना घटती है कि संसार के सागर में कोई जहाज डूब गया, परंतु इस भवसागर के अंदर ना जाने इस जीवात्मा के जहाज कितने रोज डूबते हैं। ये दस द्वार का पिंजरा, ना जाने कौन कौन से अपवित्र भाव निकलते हैं, ना कौन से जाने अपवित्र चीजें निकलती हैं, मल मूत्र इत्यादि। पर पार कैसे होंगे? पार होंगे तो जपन से, पार होंगे तो शरणागति से, और वो शरणागति राम नाम की। सकल सुमंगल दायक, संसार के सारे मंगलों को देने वाला है राम नाम। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, और सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। ये राम नाम की नौका में, उस सत्संग नाम के उस जहाज में बैठकर, जिसे नानक कहते, नानक नाम जहाज है चढ़े से उतरे पार, उस परमात्मा के नाम की नौका में बैठकर इस भव सागर से पार हो जाएं, यही संत समझाते हैं और यही भक्त मिलकर गाते हैं। संत भी उचरे, भक्त भी उचरे, राम नाम ले भव से उतरे। जस जस रसना प्रभु गुण सुमिरे, तस तस मनवा निर्मल भए। जस जस रसना प्रभु गुण सुमिरे, तस तस मनवा निर्मल
भजन सुनाओ, गुण गान गा कर परम सुख पाओ। सुख पाओ प्रभु गुण गाओ, भजन सुनाओ, गुण गान गाकर परम सुख पाओ। गुण गान गाकर परम सुख पाओ, जस जस रसना प्रभु गुण सुमिरे, तस तस मनवा निर्मल भए। जस जस रसना प्रभु गुण सुमिरे, तस तस मनवा निर्मल भए। जस जस रसना प्रभु गुण सुमिरे, तस तस मनवा निर्मल भए। जस रसना प्रभु गुण सुमिरे, तस तस मनवा निर्मल भए। राम नाम मुद मंगलकारी, डूबत पार करे। राम नाम मुद मंगलकारी, डूबत पार करे। नाम की महिमा अनंत रे भाई, आनंद सकल करे। राम नाम मुद मंगलकारी, दुबत पार करे। राम नाम मुद मंगलकारी, दुबत पार करे। गण का अजामिल सदन कसाई, नाम ने सब को तारा। गण का अजामिल सदन कसाई, नाम ने सब को तारा। गण का अजामिल सदन कसाई, नाम ने सब को तारा। कृपा करके प्रभु जी कर दो बेड़ा पार हमारा। कृपा करके प्रभु जी कर दो बेड़ा पार हमारा। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम।
सकते हैं गगन में छाए असंख्य अगणित तारे। गगन में छाए असंख्य अगणित तारे, सप्तर्षि तारा मंडल, ध्रुव तारा, अरुंधति, कहीं ना कहीं ऊपर नक्षत्र के वो 27 नक्षत्र, उनके चार चरण, नौ ग्रह, इस ब्रह्मांड में तारों की, नक्षत्रों की, उस ब्रह्मांड की कहीं ना कहीं गिनती हो सकती है। कहीं ना कहीं ये विज्ञान बढ़ रहा है। तो आकाश में वह अनंत अनंत तारे दिखते हैं, हो सकता है उनकी गिनती हो सकती है, पर एक बात है, गिन सकते हैं गगन में छाए असंख्य अगणित तारे, पर नहीं हो सकती गिनती उनकी जितने इस राम नाम ने तारे। उस राम नाम को लेकर कितने तर गए कोई नहीं जानता, इसलिए तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने गणिका को तारा, हमने सुना है तुमने अहिल्या को तारा, हमने सुना है तूने शबरी को तारा, चरणों का करके बहाना, राम हमको भी तारो। आपका विरध है, आप दीनों पर दया करने वाले हैं, अवगुणों से भरे से उस मानव को आप क्षमा करने वाले हैं, इसलिए मेरे अवगुण ना विसारिए, संसार को तारने वाले राम आप मुझे भी तारिए। गिन सकते हैं गगन में छाए असंख्य अगणित तारे। सकती गणना उनकी नाम ने जितने तारे। नहीं हो सकती गणना उनकी नाम ने जितने तारे। मेरे राम मेरे राम मेरे जपे ओ रन को जपावे ऐसो काम करे। आप जपे ओ रन को जपावे ऐसो काम करे। आप जपे ओ रन को जपावे ऐसो काम करे। सो नर बन धन ना फसी है भव से पार तरे। सो नर बन धन ना फसी है भव से पार करे। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम।
राम नाम मुद मंगलकारी डूबत पार करे। नाम की महिमा अनंत रे भाई आनंद सकल करे। कही है सहारा।
देख कर दिया कबीरा रो चाकी को देखते हैं, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोए, तो संत के हृदय का दर्शन जागता है, अध्यात्म जागता है, और अध्यात्म के दृष्टिकोण से जब जगत को देखता है तो लगता है ये जगत भी एक चाकी की तरह है। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पार्ट, कभी दिन कभी रात, कभी प्रभात कभी संध्या, कभी सुख कभी दुख, कभी तेरा कभी मेरा। ये सारा जीवन जिस जगह हम रहते हैं, जिस धरा पे हम रहते हैं, उसी को बोलते हैं दुनिया। जब एक नैया में बैठा डगमगाता रहता है तो ये जीव दो नैया में पार कैसे करेगा, दो नैया में पैर रखकर कैसे पार होगा। दुनिया जहां पर हमेशा दो विचार आते हैं। हरि भक्तों, जीवन में जब कुछ काम भी करें तो दो विचार आते हैं, ऐसा करें या ना करें, ये ठीक है या नहीं है, ये मुझे करना या नहीं करना। ये दो पार्ट नदी के इसी प्रकार से लगे रहते हैं, और दो पाटन के बीच में बचा साबुत बचा ना कोई, ये सुख दुख के पलड़े में, अपने पराये के पलड़े में कौन बच पाया है। संत कबीर के नेत्र सजल हो गए, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। पर जब कबीर के पुत्र कमाल वहां आए तो वो उस चाकी को देखकर मुस्कुराए, चलती चाकी देखकर दिया कमाल ठटाए। कबीर तो रोए पर पुत्र कमाल ठटाया एक गहरी गंभीर मुस्कान। कबीर ने कहा, रे कमाल तू मुस्कुराया क्यों? कमाल ने कहा, आप रोए क्यों? कबीर ने कहा, मैंने इस दुनिया को देखा, इन दो पार्टों को देखा, इस पार्ट में जो दो आते हैं उन दो पार्टों के बीच में सब पिस जाते हैं, वैसे धराधाम दुनिया में आकर उस परमात्मा को भूलकर, उस जगदीश को भूलकर हम जगत के होके रह जाते हैं, तो जीव आत्मा की गति कैसी हो। दो पाटन में बचा साबुत बचा ना कोई। कमाल ने कहा, बस मैंने तो ये देखा कि चलती चाकी देखकर दिया कमाल ठटाए, चलती चाकी देखकर दिया कमाल ठटाए, और कीली से जो गह रहा
कीली से जो जुड़ा रहा वो सदा ही रहा बचाए। जब चक्की चलती है तो उसकी एक मुख्य धुरी होती है और पीसने वाले जब उस दाने को चक्की में डालते हैं तो जो दाने उस धुरी के साथ चिपके रहते हैं वो कभी पाटों में नहीं पिसते, वो कभी फिर पाट में आकर पिसते नहीं। अर्थात इस दुनिया में आकर जो राम नाम की धुरी को पकड़ के रखते हैं, जो परमात्मा के नाम के आधार को पकड़ के रखते हैं, फिर वो आवागमन में नहीं फंसते, वो मुक्त हो जाते हैं। वो इसी प्रकार से यदि जीवात्मा भगवान को अपना केंद्र बना के रखे तो मुक्त हो सकता है। चलती चाकी देखकर दिया कमाल ठटाए, कीली से जो गहरा सदा रहा बचाए, वो सदा बचा रहता है। पर जीवन को देखकर कबीर रोए, परंतु जब अंत समय आया फिर कबीर की आंखों में आंसू आए। कहा, जीवन में तो चलती चाकी देखकर रोए थे, अब अंत बुलावा आ गया तो क्या काल से डर गए? तो कबीर ने कहा, नहीं भाई, राम का बुलावा तो आ गया है, पर बैकुंठ में भजन कैसे करेंगे ये सोच रहा हूं, क्योंकि भजन ही तो मुक्ति का उपाय है। कबीर कहने लगे, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग बैकुंठ न हो, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। नाम जप नाम जप नाम जप बाबरे, नाम जप नाम जप नाम जप बाबरे, जन्म पन से मुक्ति है मिलती, नाम कही है सहारा, नाम जपन से मुक्ति है मिलती, नाम कही है सहारा। सुख में करे न को, सुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को। नाम जप नाम जप बावरे, नाम जप नाम जप नाम जप पन से मुक्ति है मिलती, नाम कही है सहारा, नाम जपन से मुक्ति है मिलती, नाम कही है सहारा। दुख में सुमिरन सब करें,
सुख में करे ना कोई दुख जो मेरे अनुसार ना हो, और सुख जो मेरे अनुसार हो जाए। पर भाई होई है सो जो राम रची राखा, होना तो वही है जो उस परमात्मा ने रचा है। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू जो हमें स्वीकार करने पड़ते हैं। इसलिए सुख क्या है जो हमारे अनुसार हो जाए, और दुख क्या है जो हमारे अनुसार ना हो। परंतु एक बात है, सत्संग कहता हम जीवन को, हमने जीवन को समभाव में जीना है, एक रूप में जीना है, यही तो सत्संग है। चाहे सुख हो चाहे दुख, ये जीवन के खेल हैं भाई, और जो सबको व्यापते हैं। जब सुख हो तो समझे ये प्रभु कृपा है, जब सुख हो तो समझे ये प्रभु कृपा है, और जब दुख हो तो समझे ये प्रभु की इच्छा है। तो क्या प्रभु में दुख देना चाहते हैं जो उनकी इच्छा है? नहीं भाई, उस परमात्मा की इच्छा में ना जाने क्या अच्छा छुपा है, यही मानना उस परमात्मा की शरणागति है। और वास्तव में अध्यात्म तो कहता है जब परमात्मा याद रहे तो सुख, और जब परमात्मा को भूल जाए तो दुख, क्योंकि भगवान को विसारना ही तो दुख है। इसलिए है माटी के पुतले, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, इस भाव से अपने कर्मों को कर और धर्म को मत भूल, क्योंकि एक ना एक दिन काल की आंधी आनी है, माटी का पुतला माटी में मिल जाना है। इसलिए भाव संत कबीर कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंधे मो, कबीरा कुआ एक है, कबीरा कुआ एक है, पनिहारिन अनेक, बर्तन सबके अलग अलग पर नीर सब में एक। संत कबीर फरमाते हैं, कबीरा
कुआ एक है वो परम तत्व एक है, पनिहारिन अनेक, अनेक अनेक योनिया, अनेक अनेक भाव। कबीरा कुआ एक है, पनिहारिन अनेक, बर्तन सबके अलग अलग, अर्थात सबके व्यवहार अलग अलग, करनी अलग अलग, कर्म अलग अलग, पर नीर सब में एक, वो परम तत्व सब में एक ही है। सब में एक ही है, इसलिए पराया नहीं देखना। एकम सत्यम बहुधा वदन्ति, सत्य एक ही, उसको अनेक प्रकार से संत अपने अपने अनुसार कहते हैं। इसलिए अपने जीवन में इस जीवन को जीते हुए उस सभी के अंदर परमात्मा की ही छवि को देखें, उस परम तत्व को ही देखें, क्योंकि एक दिन आए हैं तो जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। मेरे दाता के दरबार में सब जीवों का खाता, वह सबका खाता है। इसलिए भाई जीवन में इतने अच्छे से प्रेम से सत्संग करते हुए जिए कि हमारे जाने के बाद भी दुनिया याद करे, और मृत्यु से डरना नहीं। मृत्यु तो सत्य है, आएगी ही, पर मृत्यु को अमृत रूप बनाना है, उस पर जीतना है। इसलिए अपने जीवन में जीते हुए कोई सेवा हो सके, सुमिरन हो सके, सत्संग हो सके, किसी की सहायता हो सके, तो भाई मेरे जरूर करनी है। हम किसी के काम आ सकें, अर्थात मानव चोला प्राप्त करने के बाद जो कुछ अच्छा कर सकते हैं, शुभ कर सकते हैं, जरूर करें। क्योंकि पुनः ये शरीर मिले ना मिले, ये मानव चोला मिले ना मिले, इसलिए अगर पैदा हुए हैं तो जीवन में इतनी अच्छी करनी करके जाएं कि जाने के बाद भी दुनिया याद रखे। इसलिए शुभ कर्म कर, सत्संग कर, सुमिरन कर। कबीरा जब पैदा हुए जग हंसा हमरो, नाम जप बाबरे, नाम जप, नाम जप, नाम जप बाबरे। जन्म मिले ना दोबारा, नाम जपन से मुक्ति है मिलती, नाम कही है सहारा। नाम जपन से सहारा, नाम जपन से मोति है मिलती, नाम कही है सहारा। नाम जपन से मोति है मिलती, नाम कही है सहारा। ओ प्यारे नाम कही है सहारा, सारा।
बात करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। कह कह कर राम राम मेरे प्राण तन से निकले, कह कह कर राम राम मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। चाहे गंगा जी का तट हो, चाहे यमुना बंसी बट हो, चाहे गंगा जी का तट हो, चाहे यमुना बंसी बट, मुझे कोई न कष्ट विकट हो, जब प्राण तन से निकले मुझे कोई न कष्ट विकट हो, जब प्राण तन से निकले। कह कह कर राम राम मेरे प्राण तन से निकले, कह कह कर राम राम मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। कह कह के राम नाम मेरे प्राण तन से निकले, ये निश्चित है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। ये आवागमन की दुनिया में ये नश्वर शरीर है और निरंतर आवागमन लगा रहेगा, परंतु हृदय के अंदर बहुत इच्छाएं हैं और प्राण निकल जाए तो ये मृत्यु है। पर जीवन में जीते हुए इच्छाओं का विश्राम होकर भगवत भक्ति आ गए, इच्छाओं का शमन हुआ और भक्ति आ जाए तो ये मोक्ष है। अर्थात जीवन के अंत समय में जो अजामिल के हृदय में था, जो नचिकेता ने मांगा, जो संतो भक्त ने मांगा, जो दादू दयाल रसखान मीराबाई सहजोबाई ज्ञानेश्वर नामदेव तुकाराम सूरदास कबीरदास तुलसीदास, उन संतों के हृदय की भावना थी, वही भावना हमारी हो। क्योंकि अंतमति सागति, जैसी अंत में मति होती है वैसे ही अगली गति होती है। इसलिए हे ठाकुर, आपका बैकुंठ का वास मिले मेरे हृदय में, जो मेरा जीवन का अंत आए तो आपकी ही छवि मेरे समक्ष हो, यही विनती यही वंदना और यही मेरी प्रार्थना। सर पे तेरे मोर मुकुट हो, छबिये मेरे अंदर घट हो,
सर पे तेरे मोर मुकुट हो, छबिये मेरे अंदर स्वामी तू ही मेरे निकट हो, जब प्राण तन से निकले स्वामी तू ही मेरे निकट हो, जब प्राण तन से निकले कह कह कर राम राम मेरे प्राण तन से निकले, कह कह कर राम राम मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। कंठ मेरे जब प्राण ये आए, नाम जुबा पर तेरा आए, कंठ मेरे जब प्राण ये आए, नाम जुबा पर तेरा, यम मुझको न दर्श दिखाए जब प्राण तन से निकले, यम मुझको न दर्श दिखाए जब प्राण तन से निकले, कह कह कर राम राम मेरे प्राण तन से निकले, कह कह कर राम राम मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। जपो भई राम राम अब ना देर लगाओ, राम नाम के शब्द को गाकर भव सागर तर जाओ, राम राम
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनही ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय चरण सरोज रज निज मनु मुकर सुधा बरनौ रघुबर बिमल जासु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हु मोहि हर हो कलेश हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान राम जी से राम हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान 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 हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर राम दूत अतुलित बलदामा अंजनी पुत्र भवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेसा कानल कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महा जगवंदन विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान राम जी से राम राम कहियो जी सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि रंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए रघुवीर हर सुर लाए रघुपति की ने बहुत बढ़ाई अमरे भरत ही संभाले सहस बदन तुम रोजस गावे श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाते गोविंद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना
राम मिलाए राजपत दीना। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही दुर्गम काज जगत के जेते। राम दुआरे तुम रखवारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना। आपन तेज संहारो आपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। ना से रोग हरे सब पीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन कन वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा। सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। तुमरे भजन राम को पावे जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबर पुर जाई जनम हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा हनुमत बल वीरा। जय 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 हनुमान गोसाई गुरुदेव किनाई। जो सत बार पाठ कर कोई झूठे बंदे महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा सिद्ध साकी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महडेरा। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तेरी आरती उतारू हे सीताराम तेरी आरती उतारू। सीताराम तेरी आरती उतारू। कनक सिंहासन राजत जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी। You
सीतो सदा निहारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, जीवन वारू। हे राजा राम तेरी आरती उतारू, हे सीता राम तेरी आरती उतारू। चरणों से निकली गंगा प्यारी, तेरी आरती उतारू। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, जन्म सवारों। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे सीता राम तेरी आरती उतारूं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।